बाद वो इलाका जो एपिसेंटर था वहां तस्वीर अलग थी 2020 की, हमने देखा लंबा आंदोलन चला, आज वहां की क्या तस्वीर दिखाएंगे आप? देखिए श्वेता, बिल्कुल एपी सेंटर पे हम मौजूद हैं, ये शाहीन बाग का वो एरिया है। सबसे पहले विशेष जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जरा फुटओवर ब्रिज दिखाइए। ये याद होगा आपको फुटओवर ब्रिज, जहां पे CANRC के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए थे, ये वही शाहीन बाग का एरिया है जहां पे नीचे अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहां पे बड़े बड़े मंच लगाए गए थे। और जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटी हो या शाहीन बाग आंदोलन समिति, ये सारे के सारे यहीं पे जो है वो प्रदर्शन करते थे। आज अगर स्थिति देखेंगे आप तो बड़े बड़े यहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कारण यहाँ पे जो बैरिकेड्स हैं उनको लगा दिया गया है। महिला पुलिसकर्मी भी देखिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस की मौके पे मौजूद है। स्थिति बिल्कुल सामान्य है, किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं है, लोग बड़े प्यार शांति के साथ रह रहे हैं। सर 2020 में जब यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, आज शांति है? आज पूरी शांति है। देखिए लोग हल्का, हालांकि बात करने से बच रहे हैं, लेकिन देखिए स्थिति बिल्कुल सामान्य है, किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं है। गाड़ियों का आवागमन पूरे तरीके से जो है वो चल रहा है, लोग आराम से अपने काम पे आ रहे हैं जा रहे हैं। आज वो स्थिति नहीं है जो 2020 में देखने को मिली थी। आज शांति है सर शाहीनबाग इलाके में, लोग आराम से रह रहे हैं? जी आराम से रह रहे हैं। 2020 में जो माहौल था, प्रोटेस्ट हुआ था, आज वो नहीं है? नहीं आज तो वो नहीं हुआ। लोग जागरूक हो गए कि भाई ये नागरिकता लेने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है, अलग रहा है। हाँ जी है ना, लोगों को लगता है आपको जागरूक हो गए हैं कि भाई अब प्रोटेस्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लोगों को क्या लगता है, CA अब लागू हो गया है, अब देश में जो है वो किसी तरीके से कोई विवाद नहीं है, शांति से लोग रह रहे हैं? सर इसमें हमारा क्या, सभी के लिए है ये तो, देखो सभी के लिए है। मेरा कहने का मतलब है इससे विरोध करके भी क्या कर लेंगे, दर्जी तो करा सकते हैं, करेगी तो फिर भी सरकार जो करना हो तो करेगी। आपको क्या लगता है? बाकी हम तो यही कहते हैं कि शांति से रहें सभी, और शांति से रहने दिया जाए सभी का, शांति बनी रहे। यही वजह है कि ये वो इलाके